इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधा लिए चलते हैं। मित्र प्रकाश जी, पदाधिकारीगण और सभी INB सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी और पत्रकार मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में IT एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन INB को सौंपा है, तो INB के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, दे हैव गॉट गुड बिजनेस, they have got good number of users and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड राइट टू डिसेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. And let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्फ फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, इंपिंजिंग अपॉन डिग्निटी, कॉम्प्रोमाइजिंग द सिविलाइज्ड नॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर यूज्ड टू गार्नर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी इंटर से अमंग कॉर्पोरेट हाउसेस। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में केओस मेहम वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट, ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म वेयर वी आर इंसिस्टिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टू डेवलप द मैकेनिज्म एंड हैव ए रोबस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फेसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा आई विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स आर 41 करोड़,
इंस्टाग्राम यूजर्स आर 21 करोड़ एंड ट्विटर यूजर आर 1.75 करोड़। दिस इज अ गुड नंबर, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। इंडियन यूजर्स आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड बिजनेस केस, वेलकम। What has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as the intermediary, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक development हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा rational and justification for new guidelines क्या है, मैं 4-5 point आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये बहुत important है, आपको एक व्यापक press release मिलेगा। Supreme Court on 11 December 2018 in the Pranjwala case ask us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. Supreme Court ने फिर 24th of September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट। आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल्ड एन एफिडेविट इन द कोर्ट कि वी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ। राज्यसभा में 26-7-2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, एबी तो सोशल मीडिया पर, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज मी टू टेक एक्शन एंड देयर इज माय अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वी विल इंप्रूव द इंटायर गाइडलाइन। और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है ऑन 3 फरवरी 2020, जहां पर प्रोनोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the high courts as well to take action in this. Hamari ministry ne vyapak consultation kiya. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं, बाकी तो rules आपके सामने आएगा, press statement भी है। पहला है कि दो category की है, एक है intermediary, which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है, देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सून हु विल बी दोस। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 डेज, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, इफ देर आर कॉम्प्लेन्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स, पर्टिकुलरली वुमन दैट एक्सपोज देयर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और न्यूडिटी और इन सेक्सुअल एक्ट, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the woman of India and anyone else. It's very clear.
उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया chief compliance officer, दूसरा हो गया nodal contact person, तीसरा है appoint a resident grievance officer who shall perform the grievance redressal mechanism as I indicated. And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने complaints आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या redressal किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours. Redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है first originator का, कि खुराफात हुई but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार मेहम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिस्चीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिस्चीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड आइदर बाय अ कोर्ट ऑर्डर और बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मिस्चीवियस ट्वीट और मैसेज एज द केस मे बी, एंड दिस शुड बी ओनली इन रिलेशन टू sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और यह सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। I explain to you. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक provision रखा है। मित्रों, ये जो significant social media के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे।
ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें. विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्नेचर सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओवर टू प्रकाश. रवि जी बहुत धन्यवाद. जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी